Brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. खालिस्तान को जड़ से उखाड़ने के लिए भारत कड़े और बड़े कदम उठा रहा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अपने दो तरफा रवैये से फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश का मामला विवादों में है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने पन्नू मामले को लेकर नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरजमी पर पन्नू की हत्या की कोशिश के आरोप की भारत और अमेरिका मिलकर जांच कर रहे हैं। गारसेटी ने कहा, किसी को भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए, किसी विदेश या सरकारी कर्मचारी को विदेशी नागरिक की हत्या में शामिल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मुझे लगता है कि अभी तक इस मामले में भारत सरकार से जो कहा गया है वो उन्होंने किया, ऐसा ही हमने भी किया। जब भी हम पर आरोप लगे हैं हमने भी उसे गंभीरता से लिया। पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारत सरकार ने एक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने जांच के लिए बनाए गए इस आयोग में ऐसे वरिष्ठ लोगों को रखा है जिनके पास बेइंतहा अनुभव है, जो घरेलू स्तर पर जुटे हैं ताकि हत्या की साजिश के प्रयासों से जुड़े सबूतों का पता लगाया जा सके। फिर चाहे इसके तार भारत सरकार से ही क्यों न जुड़े हों, अगर कोई अन्य देश अपने किसी नागरिक की हत्या की साजिश के प्रयास अमेरिकी साजिश के आरोप लगाता है तो हम भी इस तरह के कदम उठाते। इस तरह किसी भी देश के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अमेरिकी सरकार की ओर से भी इसी तरह की जांच की शुरुआत हुई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी नागरिक की हत्या के प्रयास में कोई अमेरिकी साजिश तो नहीं है। अब ये तो था बयान जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका खालिस्तान के मैटर में अपने पत्ते खुलकर सामने नहीं फेंक रहा, लेकिन चलिए अब एक बार जान लेते हैं इस पूरे मैटर को। दरअसल पिछले साल फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया था। कहा गया है कि इस मामले को अमेरिका ने भारत सरकार के समक्ष भी उठाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले से परिचित लोगों ने ये नहीं बताया कि क्या भारत के समक्ष इस मामले को उठाने की वजह से साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना बदल दी या फिर FBI के हस्तक्षेप से इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। मामले में एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ PM मोदी ने पिछले साल ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में साफ कहा था कि विदेशों में छिपे कुछ चरमपंथी समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में डराने धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का एक प्रमुख पैमाना रहा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पन्नू को लेकर बयानबाजी कर रहा, साथ दे रहा, उसे देखकर ये पता चल रहा कि अमेरिका हर बार की तरह अपना डबल गेम खेल रहा। आपका क्या कुछ कहना है अमेरिका के इस बयान को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।